गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अज असी सृजना एकांगी दे बैक एक्सरसाइज दे क्वेश्चंस ते पात्र सारी करांगे। ठीक है, एक बार दस दिए सृजना एकांगी दे विच भ्रूण हत्या की समस्या दसिया गया है जिदे विच सृजना, कुलदीप, बीजी, डॉक्टर, दो नर्सा ये पात्र हैं। ते सारी जिहड़े एकांगी है सृजना ते बीजी दे दुआले घूमती है। सृजना एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कि भ्रूण हत्या के खिलाफ है। बीजी बीजी जी भ्रूण हत्या बीजी जी एकांगी जी पात्र है जो पुराने विचार वाली औरत है। वो सिर्फ अपनी जबीर जायदाद का वार जो कि मुंडा चाहती है, जो कि कुड़ी ते मुंडे भी बहुत ज्यादा फर्क करती है। इस एकांगी दे अखीर ते सृजना जिहड़े की है भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती है ते कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हाँ, मैं अपने दोनों कुड़ियों का पालन पोषण खुद कर सकती हाँ, उन्होंने खुद पढ़ा लिखा सकती हाँ, मैनू किसी के सहारे की लोड़ नहीं है। ते जो ये गल कहती है तो उस समय उसका पति जो पहला साथ नहीं दिता, उस समय कांगी के अंत में उसका पति आ जाता है ते उस कोलो माफी मंगता है कि उस कोलो बहुत वड्डी गलती हो गई कि उसने उसकी गल नहीं सुनी। तो कहता है कि मैं भी तेरा साथ दवांगा ते अपनी मां के खिलाफ जाता है कि आज दे समाज दे भी जिहड़ा कि कुड़ियां ते मुंडियां विच कोई भी फर्क नहीं है। जिन्ना हक मुंडियां नू इस दुनिया में जीन दा है, पढ़न लिखन दा है, उन्ना ही हक कुड़ियां नू है। इत्थे ही कह के एकांगी जिहड़ी कि खत्म हो जाती है, भाव कि इस एकांगी दा जिहड़ा अंत है सुखदायक हुंदा है, सुख भरिया हुंदा है। ते एक कांगी समाज में एक सेध दे रही है, एक सिक्ख्या दे रही है, सुनेहा दे रही है कि सानू कदे भी मुंडे दे कुड़ी दे विच फर्क नहीं करना जरा। आज दे समाज दे विच कुड़ियां मुंडियां नालों किसी गल्लों भी घट नहीं हैं, उन्हां नू किसी भी सहारे की लोड़ नहीं, वह पढ़ लिख के अपना अते अपने माता पिता का सहारा बन सकदियां हन। हुण बेटा दी बैक एक्सरसाइज दे क्वेश्चन करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वार्तालाप भाव कि शब्द है, ये शब्द किन्हां ने किन्हां नू कहे सी ते क्यों कहे सी। ठीक है, क्वेश्चन जिहड़ी आपां जिहड़े बैक एक्सरसाइज करांगे टू मार्क्स दे अकॉर्डिंग है। ठीक है, कर लिया सी क्वेश्चन, फिर असीं हुण बेटा दी आह वाला क्वेश्चन कर लिया सी। इस वार्तालाप विच सृजना ने सृजना शब्द किस लई वरत्या है, हो गया सी पुत्र बेटा। चलो लास्ट आपां करने क्वेश्चन करने आ पात्र अनुसारी करैक्टर स्केच। ठीक है, हरेक बच्चे ने एक एक हरेक बच्चे ने एदा एक एक पॉइंट दसना है। ठीक है, वन वन पॉइंट हरेक दसदा जाएगा। ठीक है, पहला आपां पात्र अनुसारी करांगे सृजना दी। सृजना किहो जिहा करैक्टर है, हरेक ने वन वन पॉइंट यस बेटा आप दसो बेटा वन पॉइंट है नी वन पॉइंट पात्र अनुसारी करनी है कि सृजना किहो जिही पात्र है। वन बाय वन मैडम बोल। हाँ बेटा बोल। सृजना इस कांगी के हो नहीं पात्र है, एक मिनट बेटा एक मिनट। हाँ बेटा बहादुर अदर और कोई पॉइंट पढ़ी लिखी और मेन पॉइंट है पढ़ी लिखी। एक मिनट बेटा एक एक पॉइंट पढ़ी लिखी और ठीक है हम अपन एक्सप्लेन करांगे। सृजना इसी का हेडिंग लिखते जाना। ठीक है बेटा, सृजना इस एकांगी दे जो पढ़ी लिखी औरत है, नवे जमाने की औरत है, वो नौकरी करती है। ठीक है, पढ़ी लिखी औरत है, नवे जमाने की औरत है, तो जेड़े कि ऑफिस दे विच या वो नौकरी करती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोला बेटा, नहीं होर कोई पॉइंट वेट वन बाय वन। हाँ, मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करन वाली, मुंडे ते एक मिनट बेटा वन बाय वन एंड एक्सप्लेन कर। मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करन वाली। ठीक है, एक एक पॉइंट बोल के पहले एक्सप्लेन करना है फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलना। पहले एक्सप्लेन करिए, मुंडे ते कुड़ी विच फर्क नहीं करती, ओदे लई मुंडे ते कुड़ी दोनों का दर्जा बराबर है। ठीक है,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੀਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਾਲੇਗੀ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਬੀਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ। ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੂ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਥ੍ਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਜਾਂ ਇਸੀ ਕਾਂਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਜ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਅਰਵਿੰਦ, ਹਾਂ ਅਭੀ ਉਸ ਤੇ, ਯਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸੇਧ ਸੇਧ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਰਾਹ, ਸੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਸੇਧ, ਸਸਨ ਲਾ, ਸਸਨ ਲਾ ਤੱਦਾ, ਸੇਧ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ? ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਜਾਂ ਥ੍ਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
पढ़ी लिखी औरत, ठीक है, सीजना की पढ़ी लिखी नवे जमाने की औरत है, ठीक है, और उन्हें सही ते गलत दी पहचान है कि गलत है कि ठीक है। मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करने वाली सीजना ने कदे भी मुंडे ते कुड़ी फर्क नहीं किया, उसकी पहला भी धी है ते उसकी कुक विच जिहड़ा की है दूसरा बच्चा होने वाला है, ते उस नूं ओह कहिंदी कि चाहे मुंडा होवे चाहे कुड़ी उहदे लई दोने ही बराबर हन। इस दे लई अपनी बीजी दे नाल जिहड़े की आवाज भी उठाती है। नैक्सट है भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने वाली अकांगी दे खीर ते ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਬੀਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗੀ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟੂ ਟੂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੈ ਬੀਜੀ। ਵੇਟ ਵੇਟ, ਇੱਕ ਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਰ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਸਲੀਨ, ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਵੇਟ ਬੇਟਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਣਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਟ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ,
रोब पाण वाली। नेक्स्ट है अपना रोब पाण वाली, ठीक है, दूसरिया ते रोब पाण वाली, दूसरिया ते दो मिनट, दूसरिया ते रोब पाण वाली अपना जरा ज्यादा भी गुस्से बेटा ही था, आप गुस्से को भी लिख सकते हैं, ठीक है, रोब की थां से आप गुस्से को भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। हम किस तरह पता चलता है कि दूसरे से रोब पाती है या गुस्से को पात्र है? अरविंद बेटा सीधा हो जाए, दूसरिया ते अपना रो पाण वाली, ठीक है, या गुस्से को पात्र। एकांकी की शुरुआत के विच जो सफाई कर्मचारिका मासी सफाई कर रही होंगी है तो उसनू जी मासी गुस्से बोलती है कि तुसी सारे इतने पैरों के निशान लगाते, तो बड़े गुस्से अगो उन्हू सफाई कर्मचारिका जवाब दिंदी है। तो इस तो अलावा वह अपनी नूं नूं, ठीक है, अपनी नूं नूं हमेशा ही अपनी जमीन जायदाद तक ही दिखाती है, रोब दिखाती है, इतों तक कि अपनी नूं नूं यह भी कहती है कि दाज के रूप में तू की लैके आई सी, एक टुटी भजी नौकरी जिदे नाल ड्राइवर या नौकर का खर्चा तक नहीं चलता, ठीक है, भाव कि अपनी जमीन जायदाद का अपनी अमीरी का रोब दिखाती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, वेट हंकार, हाँ हाँ नेक्स्ट आप लिख से एक औरत होके अनुभव करांगे पॉइंट नु, औरत होके औरत का दुख ना समझण वाले, ठीक है, औरत होके औरत होके औरत का दुख ना समझण वाली, चलो बेचारी कोड ही मारा इन्हें कख नहीं करना, औरत होके औरत का दुख ना समझने वाली बीजी, जबकि खुद एक औरत है फिर भी वो एक औरत का दुख नहीं समझती, ठीक है, वो उसनू जेड़ा की है अपनी नो दा सीजना दा, ठीक है, सीजना दा दुख नहीं समझती कि जो करन जा रही किन्ना वड्डा गलत काम है, ठीक है, किन्ना वड्डा पाप है, ठीक है, खुद वो औरत है पर फिर भी औरत होने के बावजूद भी एक दी एक बच्चे की हत्या करन जा रही हुंदी है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, हाँ पत्थर दी लिख सकते हैं, ठीक है, पत्थर दी लोरा कह सकते हैं या कमंडी या गुस्से को लालची, हाँ ठीक है, नहीं जेडी बीजी सी कांगी दी बड़ी पत्थर दिल है या कमंडी है या अंकारी, कोई भी पॉइंट लिख लो, ठीक है, अंकारी लिख लो, लिख ला अंकारी, बीजी जेडी की सी कांगी दी बड़ी अंकारी औरत है, ठीक है, उसनू अपनी जमीन जायदाद का बड़ा हंकार है, ठीक है, ते हंकार दे विच जेड़ी की है उसनू पता नहीं लगता कि वो की करन जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि बीजी इस एकांकी दे विच जेही पात्र है जो कि भ्रूण हत्या करन जा रही हुंदी है या पुराने विचारा वाली औरत है या पुराने सोच वाली औरत है, सानू जेही सोच नू बदलना चाहिए है। क्लियर है बेटा, अगले पॉइंट नोट कर ले सर अपने का, हाँ नेक्स्ट है कुलदीप, कुलदीप हाँ बेटा फर्स्ट पॉइंट बोल, हाँ अपन बोलो बेटा, हाँ मां दियां गल्लां विचार वाला, वेट बेटा मां दियां मैडम आ गए बाहर भेज देना, अपनी मां दियां गल्लां विचार वाला,
कुलदीप जिहड़ा कि सिजना दा पति है उस दी पत्नी दो वार नूं फोन करदी है कि बीजी उस नाल गलत करन जा रहे हन, जो कुछ हो रहा है उसके नाल हो रहा है। उसनूं फोन भी करदी है पर उसका पति कुलदीप एक भी उसकी गल नहीं सुनता ते ए कहंदा है को कि जो भी कर रहे हैं बीजी ठीक ही होना है क्योंकि उन्होंने नालों ज्यादा समाज के बारे पता उन्होंने सस नू है और मां नू है, ये कह के ही फोन कट दिंदा है। नहीं हाँ बोलो हाँ होर पॉइंट पढ़िया लिखिया बस हले लिख रही है ना बेटा एक पॉइंट पढ़िया लिखिया इसी कांगी ने जरा कुलदीप एक पढ़िया लिखिया नौजवान है वो एक दफ्तर दे विच काम करता है पर फिर भी जेड़े कि उसके विचार की हैं पुराने हैं। ये पढ़िया लिखिया एक दफ्तर दे विच काम करता है पर फिर भी उसके विचार पुराने हैं। हाँ पुराने विचार वाला एक एक पॉइंट बेटा पुराने विचार वाला कुलदीप है इस एकांगी दे पुराने चाहे वह पढ़िया लिखिया है नौजवान है पर फिर भी उसके विचार पुराने हैं। वो बिना सोचे समझे अपनी मां दीआं गल्लां दे विच हां नाल हां मिला दिंदा है। उसनूं सही अते गलत दी समझ नहीं हुंदी जो कह रहा है वो किन्ना वड्डा पाप है किन्नी वड्डी गलत गल है। नैक्सट है एकांगी दे अंत विच पत्नी का साथ देने वाला लिखांगे अंत विच अपनी पत्नी का साथ देने वाला एकांगी दे अंत विच ओ अपनी पत्नी का साथ दिंदा है जदों सीजा अपनी सास नू कहंदी है कि वो अपनी धी नू दोनों धीआं नू खुद पा सकती है उस नू किसे भी सहारे दी लोड नहीं है ते ओ परस चुक के क्लीनिक तो बाहर ही जा रही हुंदी है कि उसे टाइम उसका पति आ जांदा है ते उस कोलों माफी मंगदा है ते ए कहंदा है कि जो काम उस नू करना चाहिदा सी ओ काम तू कीता है। ठीक है जे तू ऐसा ना कर दी तो शायद सारी जिंदगी में अपने आप नू माफ ही ना कर पांदा। भाव की अखीर ते वो अपनी पत्नी दा साथ दिंदा है अते भ्रूण हत्या दे खिलाफ अपने जिहड़ी आवाज उठांदा है। ओ कुछ खत्म पता ही नहीं आवाज उठा ली तो पता ही नहीं क्लियर है बेटा एक कुलदीप वाला। नेक्स्ट है डॉक्टर नेक्स्ट पात्र डॉक्टर नेक्स्ट है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर सेम फर्स्ट पॉइंट लिख लो पढ़ी लिखी औरत। ठीक है डॉक्टर की सिकांगी पढ़ी लिखी औरत है अगे लिखो सेकंड पॉइंट इन्हू चाहे सिंपल एक पैरा बना दो क्योंकि इतना बनना। ठीक है हाँ भ्रूण हत्या के खिलाफ सेकंड पॉइंट लिखो भ्रूण हत्या के खिलाफ। नेक्स्ट लिखो तुसी समझदार डॉक्टर। नेक्स्ट लिखो सीजना नु समझाने वाली या हौसला देने वाली लिख लो सीजना नु हौसला देने वाली हौसला देने वाली अपने आप लिखो सीजना नु हौसला देने वाली एक समझदार पढ़ी लिखी ते भ्रूण हत्या के खिलाफ आ चंगी ते नेक दिल इंसान।
एकांगी जी डॉक्टर एक चंगी ते नेक दिल इंसान है। ठीक है, एकांगी दी जदों बीजी उसनू स्कैनिंग कर ली कहती है कि लड़का है या लड़की, तो अगो बीजी जवाब देती कि इतने ये काम हुंदा ही नहीं, फिर तुसी किस्सा करवा लोगे। ठीक है, गलत है। ठीक है, ते उस तो बाद भी अनुसीजना नु भी समझाती है कि तेनू हौसले नाल काम करना चाहिए है। जे एक पढ़ी लिखी औरत इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो होर कौन उठाएगा। भाव की सीजना नु भी हौसला दिंदी है, हिम्मत दिंदी है, ताई सीजना जिहड़ी कि भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती है, ते ओ चंगी अते नेक दिल इंसान है। नेक्स्ट है मासी। हाँ, मासी की है सफाई कर्मचारी का है। ठीक है, कांगी देवी जी सफाई कर्मचारी का काम कर रही है क्लीनिक दे विच। ठीक है, सफाई कर्मचारी का है, पर फिर भी अगे लिखो पॉइंट, चंगी अते नेक दिल, चंगी अते नेक दिल। हाँ, चाहे वो बोलती बड़ा गुस्से नाल है, पर उसका दिल बड़ा अगो जरा चंगा है या नेक है। एकांगी दे शुरू दे विच और सीजना दे बीजी नाल गुस्से नाल बोलती है, पर नरस आके कहती है कि इसका दिल बड़ा ही चंगा है। जो एकांगी दे बाद दे जो सीजना रोंदी है तो उसनु हौसला दिंदी है कि तू रो ना, भाव कि सीजना तो पता चलता है कि एक चंगी अते नेक दिल इंसान है। नेक्स्ट है मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करने वाली। मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करने वाली। हाँ, सीजना चाहे पढ़ी लिखी, हाँ सीजना चाहे इसी कांगी पढ़ी सॉरी बीज मासी चाहे इसी कांगी दे विच पढ़ी लिखी औरत नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने दी है, पर ओदे लई मुंडे अते कुड़ी दोनों ही बराबर हैं। जदों कहंदी है कि साडे जमाने विच मशीनां तां नहीं हुंदियां सन, लोकां नूं औखे होके सौखे होके कुड़ियां नूं रखना ही पैंदा सी, भाव कि ओह मुंडे ते कुड़ी दे विच कोई भी फर्क नहीं करदी। लास्ट है सीजना नूं हौसला देण वाली। ठीक है, और जदों सीजना रोंदी है तो उसनूं हौसला दिंदी है, हिम्मत दिंदी है कि तू रो ना। इस प्रकार से कह सकते मासी भी सी कांगी दे जिहड़ा कि इह एक जिहड़ा कि रोल अदा करदी है, इक सहायक पात्र है, मेनी सहायक पात्र है। मासी एक सफाई कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का। नेक्स्ट देखो चंगी अते नेक दिल इंसान, भ्रूण हत्या के खिलाफ, मुंडे ते कुड़ी विच फर्क ना करने वाली, सहायक लिख देनी है बेटा, सहायक। मन जीते जग जीत नहीं ना करवाया बेटा, ऐसे नोटबुक से कंप्लीट करना। ठीक है बेटा।